आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी 21 फरवरी को दिल्ली के एनएमसी कन्वेंशन सेंटर में पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक को लेकर पार्टी के सभी पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों, राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों को चिट्ठी भेजी गई है। बैठक में राज्यों में किए गए संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की जाएगी। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने अहम बैठक बुलाई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन के साथ ही आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड से भी संगठन महामंत्री और कई पदाधिकारी इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे गए। विकास कार्यों की समीक्षा होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में समीक्षा बैठक करेंगे। तमाम जिलों के, यहाँ पर तमाम जो राज्य हैं वहाँ के अध्यक्ष प्रदेशों के वो पहुँचेंगे और तमाम जो विकास कार्य हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। तो तमाम राज्यों में किस तरीके से कामकाज किया जा रहा है, सरकार की योजनाएं किस तरीके से लोगों को उसका लाभ मिल पा रहा है या नहीं, क्या कुछ योजनाएं लोगों तक पहुंच पा रही हैं, अधिक जानकारी के साथ संवाददाता साक्षी जुड़ गई है। साक्षी, काफी अहम होने वाली है ये बैठक जो कि दिल्ली में होगी। बिल्कुल पूजा, देखिए अहम बैठक बताई जा रही है और मुख्य बैठक कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में ये बैठक होगी और इस बैठक का स्वरूप ये देखा जा सकता है कि भाजपा अपने संगठन को और मजबूती देने की कोशिश कर सकती है। उत्तराखंड में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा था उसके बाद अब ये दूसरी कहीं ना कहीं बैठक बताई जा रही है जो दिल्ली में होगी और जिसमें सारे जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और साथ में अब एक साल शेष रह गया है चुनाव को, उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं अहम चर्चा जो है इस बैठक में हो सकती है और इस बैठक के जरिए ही अब क्या रणनीति भाजपा बनाती है 2022 चुनाव के लिए, ये अहम बात होगी। पूजा, शुक्रिया साक्षी तमाम जानकारी के लिए।